ओम्स थ्योरम एंड एलेनबीटी थ्योरम्स के बारे में जरा मुझे बताओगे आप लोग? यस सर, हम जानते हैं रोल्स थ्योरम क्या होता है एंड एलेनबीटी थ्योरम क्या होता है, क्या मुझे बताओगे बेटा आप लोग? क्या आप लोगों को मालूम है रोल्स थ्योरम एंड एलेनबीटी थ्योरम? क्या पढ़े हो आप लोग कि नहीं, मुझे बस बता दो। इफ यू विल से यस देन मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सम एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आप बोलोगे नहीं सर, तो मैं ऑब्वियस बात है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। क्या बोलते हो आप लोग, आप लोगों ने रोल्स थ्योरम एंड एलएमबीटी थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सही है सर? नो गाइस, ये ऐसा तो नहीं कि सर हम पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक पूरा का पूरा एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में है ये टॉपिक। बोलिए क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग पढ़े हैं बेटा, बोलो। बोलो यार, कोई तो बोलो, क्यों चुप हो सब? मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो यस हेलो, सर, आवाज आ रही है ना? यस, एक बेटा का चैट भी आया, देखते हैं कौन है। कोई ना, लेट्स सी कौन चैट भेज रहा है। यस सर, पढ़ा है, थैंक यू बेटा। चलो एटलीस्ट आपने बोला तो ठीक है, आपने पढ़ा है तो ऑब्वियस बात है मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा इसको समझने में। बस ये समझ लेते हैं कि सर जेई में इसका कितना काम है और एलएमबीटी थ्योरम में उसका कितना काम है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, जेई इसे बहुत ही कम सवाल पूछता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछता है। एक होता है ना चीज की मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मे भी वहां से सवाल आ जाए, वैसा ही ये भी थियोरम है, रोल्स थियोरम और एलएमबीटी थियोरम। एलएमबीटी थ्योरम तो कहीं रोल्स थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझते हैं रोल्स थ्योरम को, इग्नोर नहीं करना प्लीज। हाँ, अगर बोर्ड लेवल पे भी आप पढ़ लेते हो इसको तो ठीक ठाक सा गेसिंग हो जाता है कि हाँ सर कुछ बेसिक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। इफ यू नो द ओनली लेवल ऑफ क्वेश्चन शुड बी ऑन एनसीईआरटी ओनली, सो वी कैन डू। ठीक है बेटा, रोल्स थ्योरम अगर जानते हो तो मैं बस एक बार रिवाइज करा देता हूँ बेटा। रोल्स थ्योरम बोलता है ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड फंक्शन का वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही बराबर होना चाहिए। तो हम ये बोलते हैं कि सर वहां पे एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो ऑब्वियस बात है ए और बी के बीच में लाई करेगा, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता है जिसका एफ डैश सी जीरो होता है। मतलब सर एक हमको सीधा सीधा बोला जाए बेटा तो एक आपको पर्टिकुलर ग्राफ के इंटरवल में आपको एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट दिख जाएगा, सिंपल सा मतलब यही है। अब सोचो कि ये कहानी नहीं होती तो सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात थी, जरा देखना आप खुद से सोच सकते हो कि सर ये बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है, ये कोई भी कॉमन सा इंसान आएगा और ये थ्योरम को बोल देगा सर ये कोई थ्योरम नहीं है, भले ही आप इसको रोल्स थ्योरम बोल रहे हो, ये बोल सकते ना एक जनरल बात आप बोल रहे हो सर। देखो बेटा, मान लो, सिंपल सी बात है, मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो बेटा एक पॉइंट मैंने लिया ए और मैं यहां पे लिया पॉइंट बी। ऑब्वियस बात है कि अगर मैं बोलू बेटा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट बी दोनों ही इक्वल हैं और मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है ए और बी में, आप सोचो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ए से बी के बीच में मिलेगा, जरा ध्यान से समझिए, ए से बी के बीच में मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, वो कैसे कैसे मिल सकता है? मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो पॉइंट ए से शुरू हुआ और पॉइंट बी पे खत्म हुआ और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूट जाएगा ग्राफ, अगर ब्रेक हो जाएगा ग्राफ तो क्या फर्क पड़ेगा उसको भी देखेंगे, लेकिन जरा सोचो कि सर अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों ही इक्वल है और मैं अगर ग्राफ बनाऊं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आपको नहीं लगता कि सर ग्राफ बनाने के बहुत ज्यादा तरीके तो नहीं होंगे? आप ग्राफ कैसे बना सकते हो? आप ग्राफ को चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ऑब्वियस बात है सर बना सकते हैं हम। अब मान लो बेटा मैं सेम ग्राफ एक और बना रहा हूं, मान लो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, ये सी पॉइंट ले लेते हैं और डी पॉइंट ले लेते हैं। अगर सी और डी पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल है और मैं बोल रहा हूं सर
फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल सी एंड डी, देखो मैं क्लोज इंटरवल बोल रहा हूँ सी एंड डी, अगर क्लोज इंटरवल ना बोलूंगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, उसका भी रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन पहले ये समझो कि अगर कोई फंक्शन सी एंड डी में बेटा है वो कंटिन्यूअस, तो ऑब्वियस बात है सर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी, मतलब एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी बोलने का मतलब कि वो दोनों ही पॉइंट्स का वैल्यू सेम है, तो ग्राफ दोनों ही एक पैरेलल लाइन पे मिल जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिल जाएगा। वो ग्राफ को अगर हमको देखना था तो ग्राफ ऐसे एक दूसरे से मिल सकता था, हाँ सर पॉसिबल है मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो दो ग्राफ बनाए हैं वो ही दोनों पैटर्न्स हैं ग्राफ को समझने, इस थ्योरम को समझने के लिए, नहीं सर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक मिलाना ही है ना आपको। तो आप एक काम करो ना, मान लो सर पॉइंट पी यहां पे है और पॉइंट क्यू कुछ यहां पे है, और ये जो फंक्शन का ग्राफ आप बनाने जाने वाले हो सर, ये दोनों ही इंटरवल पी एंड क्यू में फंक्शन का वैल्यू कंटिन्यूअस है, फंक्शन खुद में कंटिन्यूअस है, तो क्या कर सकते सर हम, पी एंड क्यू को मिलाना है। मिलाने के तरीके ये भी हो सकते हैं, ग्राफ समझते जाना, जरा समझते जाना सर। आपने एक चीज नोटिस किया कि सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब इस इंटरवल में अगर आप स्मूथ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो तो पक्की बात है सर, अगर वो टॉप पे गया, अगर वो टॉप पे गया तो डाउनवर्ड होगा, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन दोनों ही दिखता है आपको। ये फंक्शन गया 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 बीच में रुका फिर नीचे गिरने लगा, ये फंक्शन नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे, एक ऐसा पॉइंट आया कि फंक्शन वापस से राइज करने लग गया। ये फंक्शन क्या है बेटा, नॉन मोनोटोनस है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ सर है। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है पी एंड क्यू में, क्या फंक्शन ए एंड बी में कंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन सी एंड डी में कंटिन्यूअस है, हाँ सर है। तो क्या आप इस ग्राफ पे कोई ऐसा रैंडम सा पॉइंट ले सकते हो जिस पॉइंट के थ्रू मैं एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बना दूं, हाँ सर ऐसे तो मैं बहुत सारा पॉइंट्स ले सकता हूं, जरा दिखाना सर कहां कहां पे पॉइंट्स आप ले सकते हो। तो बेटा एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल टैंजेंट का मतलब ही क्या होता है कि सर dy / dx 0 है, क्या इस ग्राफ पे भी हॉरिजॉन्टल टैंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, हाँ सर इस पे तो बहुत सारे ग्राफ कर सकते हैं अपन, यहां भी और यहां भी। पूरे कहानी का मतलब क्या है बेटा, पूरे कहानी का मतलब ये है कि आप अगर कोई फंक्शन ए एंड बी में कंटिन्यूअस है और फंक्शन का तीन कंडीशंस होते हैं, थ्री कंडीशंस होते हैं, अगर कोई फंक्शन ए एंड बी में कंटिन्यूअस है, और मैं आपको ये भी बोलूं कि क्या ये वाला ग्राफ चलता है आपको, क्या ये ग्राफ आपको चलता, क्या ये ग्राफ आपको चलता, और मैं आपको बोल दूं बेटा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ सर है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहां पे नहीं सर, हॉरिजॉन्टल यूनिक टैंजेंट होना चाहिए ना कि मल्टीपल टैंजेंट होने चाहिए। और आप ये भी जानते हो कि सर हम ग्राफ में सिंपल लैंग्वेज में ये समझे हैं कि जहां जहां शार्प पॉइंट आता है हम वहां पे बोलते हैं सर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या यहाँ पे टैंजेंट आएगा, नो। क्या यहाँ पे यूनिक टैंजेंट आएगा, नो। क्या यहाँ पे यूनिक टैंजेंट आएगा, बिल्कुल नहीं सर। तो ये तीनों ही चीजों से हमने क्या नोटिस किया बेटा कि जो अगर रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है, बोलने को तो रोल्स थ्योरम लोगों ने बोल दिया, ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज होती है, तो सबसे पहले रोल्स ने इसको ऑब्जर्व किया, तो क्यों ना सर रोल्स थ्योरम भी बोला जाए। और ये कोई बहुत बड़ी सी थ्योरम नहीं, आपको लग रहा है सर ये क्या कॉमन सेंस की बात कर रहे हो सर, अगर कोई फंक्शन ए से बी में वैल्यू इक्वल देता है तो ऑब्वियस बात है टॉप पे गया तो उसको नीचे आना पड़ेगा, अगर डाउनवर्ड गया तो अपवर्ड आना पड़ेगा, नहीं तो डाउनवर्ड अपवर्ड होना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है सर। और इसी थ्योरम को जनरलाइज करके एक नया थ्योरम दे दिया गया, रोल्स थ्योरम। उसके स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया है, पहला चीज सुनो, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, आई एम सेइंग क्लोज इंटरवल, ओपन मत लिखना। एंड सेकेंड कंडीशन इज गाइस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अब ओपन नहीं होगा, अब क्लोज लेंगे तो बोलोगे सर बी पे एस पे देखो ना सर शार्प पॉइंट आ रहा है कि क्या आ रहा है, सर एस पे भी तो हम हॉरिजॉन्टल टैंजेंट्स बना सकते हैं ना, बना सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फ्रॉम वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो अगर मैं एस पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बोलूं, अगर मैं एस पे फंक्शन के टैंजेंसी की बात करूं, तो आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते,
ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला बेटा हॉरिजॉन्टल यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि आप इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ऐसा बना दो, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल तो होना चाहिए लेकिन यूनिक भी तो होना चाहिए, दोनों ही चीजें आपको देख करके चलनी है। सो ये बेटा रोल्स थ्योरम का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फंक्शन का वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट एंड फंक्शन का वैल्यू एट फाइनल दोनों ही सेम आ जाए, दोनों ही सेम हो जाए। सर जरा दिखाओ थ्योरम फेल कब होता है। थ्योरम का फेल होने का सबसे पहला ग्राफ आप देख लो। अगर मैं मान लू कि फंक्शन का पहला पॉइंट देखो कि फंक्शन ए पे जितना वैल्यू दे रहा है उतना ही बी पे वैल्यू दे रहा है, नो डाउट सर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि सर फंक्शन जो है ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअस है, सुनो ध्यान से, फंक्शन ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअस है लेकिन बी पे तो वैल्यू बी दे रहा है ना, बी पे तो फंक्शन का वैल्यू बी है ना सर, तो एग्जैक्टली बी पे यहाँ पे एक व्हाइट बॉल आ जाएगा, एग्जैक्टली बी पे एक व्हाइट बॉल आ जाएगा। क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है? यस। क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस, बट नॉट इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो आप ध्यान से देखो पूरे फंक्शन में, अब मैं बोलूं बेटा यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। अगर आपको लग रहा है बी पॉइंट पे सर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है नो डाउट करता है, लेकिन वो यूनिक नहीं है। आप पॉइंट बी से बहुत सारे टेंजेंट्स पास कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स पास कर सकते हो, बहुत सारे लाइंस आप पास कर सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है। लेकिन मजेदार बात क्या थी ये देखिए आप, कि पहला जो चीज था कि फंक्शन का वैल्यू एट ए एंड फंक्शन का वैल्यू एट बी दोनों ही सेम है सर। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल था? यस, देयर इज नो एनी शार्प पॉइंट इन इंटरवल ए एंड बी के इंटरवल में शार्प पॉइंट आया ही नहीं। तो आपने क्या देखा बेटा, डिफरेंशिएबल जो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यस, ये भी सेटिस्फाई डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड बी, क्योंकि ओपन इंटरवल की बात करता हूं तो मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस ही नहीं करने वाला हूं। लेट्स कंसिडर थर्ड वन गाइज, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नो। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नो। क्यों सर? सुनो ध्यान से, क्योंकि फंक्शन ओपन ए से लेकर के क्लोज बी में नहीं, क्लोज ए से लेकर के ओपन बी में कंटिन्यूअस है। रीजन ये था क्योंकि बी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं था, बी पॉइंट पे फंक्शन यूज आ रहा था और बी पे ब्रेक होके नीचे आ गया, एग्जैक्टली बी पे ग्राफ टूट गया। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इससे तो हम अग्री नहीं करेंगे ना, हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, अब सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट की फील लो आप। हमने ये देखा सर कि रोल्स जो था उसने तीन स्टेटमेंट दिया था और बोला कि अगर कोई फंक्शन ये तीनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे सर कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाओ गया और वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। कॉमन सेंस की बात थी। फेलियर पॉइंट देखिए, रोल्स का थ्योरम फेल कहां पे हो जाता है? अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं जो तीनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल ना करे, कोई एक कंडीशन को वायलेट कर दे, क्या बता पाओगे कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं? आप सोचो, क्या यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं, क्या बता पाओगे? गारंटी है डिसाइड करना मुश्किल है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जानबूझ करके एक ऐसा ग्राफ बनाऊंगा जहां पे फंक्शन का ग्राफ होगा वो रोल्स थ्योरम के तीन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट वॉइड करेगा। अब यहां पे देखो, इस ग्राफ में आपको थर्ड वाला मिला कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्लोज इंटरवल ए से बी में, लेकिन ओपन इंटरवल ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैंने देखा सर तीन में से आपने दो को तो सेटिस्फाई करा दिया था, थर्ड वाले को आपने कराया ही नहीं, ये नहीं चाहिए ना मुझे। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वी आर एक्सेप्टिंग दिस वन ओनली, मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं क्यों ही उसके पीछे भागूंगा। क्लोज इंटरवल में सर अब कंटिन्यूअस बना के दो। मैं जानबूझ के एक और ग्राफ बना रहा हूं सर, वो भी देखना। अरे हाँ, इस फंक्शन में डिफरेंशिएबल जरूर था,
अब बेटू ध्यान से समझ, अगर मैं ग्राफ को ऐसा भी बना दूं, अगर मैं ग्राफ का ऐसा बनाऊं, पॉइंट ए यहां पे है, पॉइंट बी यहां पे है, और फंक्शन का वैल्यू इस इंटरवल में कुछ ऐसा है, समझिए ध्यान से, इस इंटरवल में कुछ ऐसा है। अब आप बोल सकते हो कि सर फंक्शन रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग रोल्स ने बोला है अगर ऐसा हुआ तभी ऐसा होगा, लेकिन आपने क्या देखा कि सर ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि इस ग्राफ में एक यूनिक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो रूल्स का फर्स्ट वाला थर्ड वाला जो बोलता है रिवर्स में कि अगर ऐसा है तो यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा, अब मैं उल्टा सोच रहा हूं कि अगर फंक्शन में यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या रूल्स के तीनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, वो किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, किस पॉइंट पे ग्राफ का टेंजेंसी जीरो हो रही है, हम नहीं बता पाएंगे सर। तो हम जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सोचना शुरू करते हैं, और जैसे ही हम शुरू करते हैं हमारे सामने ग्राफ्स के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं और वहां पे रूल थ्योरम फेल हो जाता है। देखो क्या यहाँ पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट किया, यस किया। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एसीबी में, नहीं। क्या ये फंक्शन ओपन एसीबी में डिफरेंशिएबल है सर, क्या फंक्शन का वैल्यू ए और बी पे सेम था, नहीं था सर। ए पे फंक्शन का वैल्यू ये है, ए पे फंक्शन का वैल्यू ए है, और बी पे वैल्यू ये है, ये यहां पे आ रहा है, बी का वैल्यू फंक्शन का यहां पे आ रहा है, नॉट बी, बी से जस्ट पहले गिर जा रहा है, लेकिन फिर भी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर गया सर, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट कर गया। तो आप तो बोले सर रोल्स थ्योरम में तीन स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा तो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तो आप रिवर्स में सोचो, रिवर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर कोई फंक्शन के ग्राफ पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पक्की बात है सर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं सर, रिवर्स में ये संभव नहीं है और नहीं होता, इसलिए हम लोग रोल्स थ्योरम को फेलियर भी मानते हैं। कि अगर उल्टा सोचा जाए तो रोल्स थ्योरम के सामने, ग्राफ के सामने कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे रोल्स थ्योरम फेल हो गया। मैं लिख दे रहा हूं एक्चुअली में कि वी कैन नॉट से इफ यूनिक टेंजेंट इज एग्जिस्टिंग देन ग्राफ और फंक्शन विल सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, बिल्कुल नहीं सर। So conversely it is not true, ध्यान से देखते जाइए, conversely it is not true, ये सही नहीं है सर, कि अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल ही नहीं सर। अब सुनिए आगे, और मैंने वही चीज लिखा है, फेलियर ऑफ रोल्स थ्योरम इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, एक ऐसा कंडीशन जो तीन में से एक को आप वायलेट कर दो, एक को आप ऐसा रखो कि सेटिस्फाई ना करे, बाय अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स द रोल्स थ्योरम फेल्स टू असर्ट द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन ए बी वेयर द टेंजेंट टू द कर्व मे बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मे नॉट बी पैरेलल टू, इन सच अ केस देयर मे और मे नॉट एग्जिस्ट सच अ पॉइंट, वो पॉइंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, पॉइंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, कहानी का मोटा मोटी मतलब सर यही है कि हम कन्वर्सली उसको ट्रू नहीं मानते। अब तीन कंडीशन है, दिमाग में छाप लीजिए, फेलियर इज नॉट इंपॉर्टेंट कि रूल थ्योरम कहां पे फेल होता है, बस इतना याद रखो कि हाँ कन्वर्स में हम लोग ट्रू नहीं मानते, लेकिन सुनना ध्यान से सर, फंक्शन में तीन स्टेटमेंट है, पहला है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल एसीबी में, डिफरेंशियबल होना चाहिए ओपन इंटरवल एसीबी में, एंड फंक्शन का वैल्यू एट ए एंड फंक्शन का वैल्यू एट बी होना चाहिए इक्वल। अगर ये तीन चीज हुआ तो हम बोलेंगे सर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, अगर ये तीनों हुआ तो गारंटी ये होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर गया तो आप बोलोगे सर तीनों गारंटी होगा, नहीं, रिवर्स में सही नहीं माना जाता है, कभी कभी सही भी हो जाता है यार। सुनिए ध्यान से, अब सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। पहला एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं ऐसे सम्स, तो पहले क्यों ना मैं सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करूं आपके लिए। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, एक ऐसा सी फाइंड करो इन रोल्स थ्योरम, मतलब एक्चुअली मैं आपको दिया है कि ये फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इन माइनस रूट थ्री कॉमा जीरो, जरा ध्यान से देखते जाइए, मजा आ जाएगा आपको सर। पहला चीज ये है कि ये फंक्शन जो है, ध्यान से समझिएगा, फंक्शन जो है बेटा वो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, और हमने दिखा कि सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है इससे मतलब क्या पता चलता है सर, इससे मतलब ये है कि
कि बेटा वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लाओ कंटिन्यूअस ही होता है. ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होता है. तो सर अगर पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है तो माइनस रूट थ्री और जीरो तो इसके डोमेन की ही पार्ट है, तो इसमें तो कंटिन्यूअस होगा ही. यस होगा. तो पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई. इवन इसमें दिया है कि रोल्स थ्योरम से आपको बताना है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम वापस से बताएं कि सर रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स ये ये होते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज गाइस, एफ डैश एक्स बताओ क्या यह फंक्शन डिफरेंशियबल है? क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है? तो सर डेरिवेटिव निकालना कौन सी बड़ी बात है? हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कितने बड़े बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के रखा है. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज गाइस 3x² एंड माइनस तीन बोले तो -3. आप यहां पे वापस देखे सर दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन अनडिफरेंशिएबल. हर पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है. तो अगेन आपने क्या देखा बेटा कि ये तो सर पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो सर ये डिफरेंशिएबल भी तो हो गया, ये डिफरेंशिएबल भी हो गया. मैंने दो स्टेटमेंट को सही करा दिया कि सर ये कंटिन्यूअस भी है, सर ये डिफरेंशिएबल भी है. अब थर्ड पॉइंट देखिए आप बेटा, थर्ड पॉइंट है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए. नाउ हियर एफ ऑफ ए इज -√3 एंड एफ ऑफ बी इज 0. एफ ऑफ माइनस बी सॉरी एफ ऑफ ए इज -√3 एंड एफ ऑफ बी इज 0. तो क्यों ना सर हम एफ ऑफ ए को चेक कर लिया जाए. तो चलिए बेटा एफ ऑफ ए बोले तो एफ ऑफ -√3 होगा कितना सर? कहां पे रखोगे आप? कहां पे रखोगे? यहां पे फंक्शन के वैल्यू में रखना है. ये नहीं कि डेरिवेटिव में उठा के रख दो और इक्वल नहीं आए बोलो सर मैंने रखा आंसर गलत आ गया. बेटा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैंने बोला इक्वल होना चाहिए, ना कि एफ डैश ए और एफ डैश बी इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. सो एफ ऑफ -√3 बेटा लिखोगे तो ये हो जाएगा -√3 का क्यूब -3√3. नाउ -√3 इज अगेन गाइज आप देख सकते हैं कि यहां पे -√3 आएगा. 3x है ना, तो -√3 यहां पे हो जाएगा. सो -√3 का क्यूब होता है 3√3, -√3√3 एंड -+3√3. तो आपने क्या देखा सर? ये तो जीरो आ गया, मतलब एफ ऑफ ए का वैल्यू जीरो है. तो क्यों ना सर हम एफ ऑफ बी भी निकाल लें. नाउ एफ ऑफ बी इज 0, सो एफ ऑफ 0 विल बी 0^3 -3 × 0 एंड ये तो सर जीरो ही होगा ना. तो सर हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई थे, नो डाउट. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी सेटिस्फाई था, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी सेटिस्फाई. सर आपकी आवाज कट रही है. देखे बेटा रोल्स थ्योरम भी. यस मेरी आवाज कट रही है बेटा? कट रही है थोड़ी थोड़ी. हेलो. यस सर. हेलो बेटा, ज्यादा आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी कट रही है, मेरे को बताओगे एक बार? सर थोड़ी थोड़ी कट रही है कभी कभी. ठीक है, तो अगर जो पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया मेरे को एक बार बता देना, मैं उसको वापस से समझा दूंगा आपको, लेकिन प्लीज बताना जरूर. ठीक है बेटा. तो बेटा मैं ये बात कर रहा था कि सर रोल्स थ्योरम तो पहले ही बोल के रखा था कि आपको रोल्स थ्योरम से वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है. तो आपने रोल्स थ्योरम फाइंड क्यों किया? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रोल्स थ्योरम के जो स्टेटमेंट्स होंगे कुछ ऐसे ही वेरीफाई किए जाते हैं. और इवन आप बोल सकते हो बोर्ड्स में तो इसके 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं. तो आप इसको पढ़ो, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई पूछ लेता है, जेई इसको पूछ लेता है. तो ऐसा भी नहीं है कि हम इसको इग्नोर ही कर दे पूरा का पूरा जेई के लिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं आपको. तो आपने देखा बेटा कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है क्योंकि पहला कंडीशन कंटिन्यूअस होना चाहिए है, दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए है एंड फंक्शन का वैल्यू एट ए और फंक्शन का वैल्यू एट बी भी सेम होना चाहिए, और वो है सर. एंड अगर वो है तो हम क्या बोलते हैं? सर रोल्स ने बोला क्या? रोल्स ने ये बोला देयर विल बी अ पॉइंट सी सच दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी जीरो एट अ पॉइंट सी, जो ए और बी के बीच में होगा, जो अपने इंटरवल के बीच में होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा. तो बेटा एक बात बताओ, फंक्शन का डेरिवेटिव आपने कितना निकाला था? 3x² - 3. फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकाला था? ध्यान से समझते जाइए,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, लेकिन आपने एफ डैश एक्स निकाला था, आपने एफ डैश एक्स निकाला है। मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं एफ डैश सी। सो एफ डैश सी के लिए क्या करोगे आप, एक्स को सर करो रिप्लेस और यहां पे यूज करो सी। नाउ गाइस क्लियरली इट इज थ्री स्क्वायर थ्री सी स्क्वायर माइनस थ्री, सो दिस विल बी सी इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब बारी आती है सर सी का वैल्यू तो दो आ गया, तो सर क्या ये वाला ग्राफ बनेगा क्या, कि ये पॉइंट है ये पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन एक बार हॉरिजॉन्टल टैंजेंट दो बार हॉरिजॉन्टल टैंजेंट, एक बार हॉरिजॉन्टल टैंजेंट दो बार हॉरिजॉन्टल टैंजेंट। नो, क्या सर ये वाला भी चलेगा क्या, ये वाला नहीं। मैंने आपको बोला है पूरे इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा नहीं होता है, ग्राफ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरवल में आपको एक शार्प पॉइंट दिख गया, तो ऑब्वियस बात है सर यही केस पॉसिबल है, बाकी केस पॉसिबल होगा नहीं। तो क्या सर एज ये फंक्शन में सी का वैल्यू दो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ सर कि सी का वैल्यू दो मतलब फंक्शन एट सी, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी इज कमिंग आउट टू बी जीरो एट टू पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज प्लस वन एंड सेकेंड वन इज माइनस वन। हो सकता है देयर इज अ चांस गाइज, सो इस पॉइंट पे आकर के आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि दिस एट दिस पॉइंट यू विल मेड अ मिस्टेक, गारंटी है मेरी कि आप यहां पे मिस्टेक करोगे और आप गलती लिख के आ जाओगे। इवन आपने पूरा का पूरा सही किया है फिर भी आपका गलत होगा, कहां गलत होगा कि आप सी का वैल्यू पूरा प्लस माइनस सी लिख दोगे और आपसे पूछ भी रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ सी, ये इतना चालाक है कि आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन आप आंसर दोगे डोमेन में, आप आंसर दोगे डोमेन में, और आपका डोमेन क्या है, माइनस थ्री कॉमा जीरो, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक टैंजेंट हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा अपने डोमेन में, फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो होगा अपने डोमेन में। आपने देखा सर सी का वैल्यू दो आ गया, एक आ गया प्लस वन दूसरा आ गया माइनस वन, क्लियरली माइनस वन प्लस वन डोमेन में ही नहीं है, बल्कि माइनस वन तो है, प्लस वन इज नॉट इन डोमेन। लेट मी राइट इट, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि सिंस सी इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं प्लस वन डज नॉट बिलोंग टू डोमेन माइनस रूट थ्री कॉमा जीरो, क्योंकि ये नहीं है, इस करके अपन लिख सकते हैं सर सी का वैल्यू माइनस वन इज द ओनली वन आंसर, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको यूनिक टैंजेंट देगा। सर आप क्या बात कर रहे हो, मेरे को नहीं समझा सर, आप हर क्वेश्चन को ग्राफ से समझाते हो तो इसको भी ग्राफ से समझाओ ना, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को ग्राफ से समझाते हैं तो क्यों ना सर इस फंक्शन की ग्राफ को भी हम इस फंक्शन को भी ग्राफ के थ्रू समझ लेंगे। सर इस पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आता, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आता, यू विल बी सरप्राइज गाइस, पावर ऑफ ग्राफ, अगेन पावर ऑफ ग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी बच्चे को ग्राफ आता है तो समझ लो खिलाड़ी है अपने आप। ये देख रहे हो ये कौन है, क्या आप इस फंक्शन को देख रहे हो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, सबको लग रहा होगा सर ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स है, बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल भी नहीं है सर। एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस थ्री है, एक्स कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, एंड एक्स माइनस थ्री को भी आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री। और आप जानते हो कि सर जब भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है हम वेवी कर बनाते हैं, हम वेवी कर बनाते हैं, तो ठीक है ना सर आप वेवी कर बना लीजिए। फंक्शन का वैल्यू जीरो कब कब आ रहा है सर, फंक्शन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको सिर्फ नीचे वाला पार्ट मिलेगा, ये पार्ट नहीं मिलेगा जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करके बता रहा हूं। सो इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनो आप, मैंने क्या किया बेटा, मेरे को फंक्शन ये दिया था तो मैं जानता हूं सर हर क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू डील किया जा सकता है, एवरी क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफ, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ देन यू विल सॉल्व द ग्राफ, एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। तो बेटा ये आपको फंक्शन दिया था और मैं क्यों ना सोचूं कि सर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में वेवी कर्व पे सॉल्व कर लेता हूं। तो कोई बच्चा यहां पे पहुंचा एंड आप जानते हो सर वेवी कर्व फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप जितने भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है सबको मार्क कर दो नंबर लाइन पे। सो एक्स का वैल्यू एक जगह पे आ रहा है जीरो बेटा, दूसरी जगह पे आ रहा है प्लस रूट थ्री एंड दूसरी जगह पे आ रहा है माइनस रूट थ्री, ग्राफ प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है दया कि ग्राफ एक बार ऐसे जाएगा फिर यहाँ पे प्लस आएगा फिर ऐसा जाएगा। आपने देखा आप पूरे डोमेन में किसकी बात कर रहे थे,
सर आप बताइए पूरे डोमेन में किसकी बात कर रहे थे सर? आप तो सिर्फ माइनस रूट थ्री से जीरो की बात कर रहे हो, आप सिर्फ माइनस रूट थ्री से जीरो की बात कर रहे हो। तो सर जरा ग्राफ को हाईलाइट करके बताइए कि आप कौन से ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो। तो बेटा माइनस रूट थ्री से लेकर के यही तो ग्राफ काम में आ रहा है। फंक्शन पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट ये ब्लू वाले ग्राफ में कितना बार एग्जिस्ट किया बेटा? सिर्फ एक ही बार ना, सिर्फ एक ही बार किया ना। अच्छा मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर यही डोमेन को मैं बढ़ा करके माइनस रूट थ्री से लेकर के रूट थ्री तक दे दिया रहता तो दो बार यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करता, दो बार यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करता। क्या ही तो बात है सर। और उसका दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होता, सी का वैल्यू वन भी और सी का वैल्यू माइनस वन भी। वी कैन विजुअलाइज दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग ग्राफ। नो वेयर विल फाइंड दिस सॉल्यूशन। आई एम गिविंग द गारंटी, शो मी कि आपको ये सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा? कभी नहीं सर। सो ओनली दिस टैंजेंट इज एक्सेप्टेबल, वन टैंजेंट, यूनिक टैंजेंट। हाँ मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर कहानी बेटा माइनस रूट थ्री से रूट थ्री में होती तो मैं बेबी कर्व से ग्राफ बनाता एंड क्लियरली मैं बता देता कि सर ये टैंजेंट और ये टैंजेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टैंजेंट्स, यूनिक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट्स। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज कमिंग आउट टू बी जीरो। दो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट पूछा है तो दो पॉइंट्स। At which point, at what point the function of the derivative of this function is zero? तो कौन से point पे function का derivative zero है? तो plus one और minus one पे। और कितनी बार zero बना है? दो बार, minus root three से लेकर root three तक। बेटा मजा आया तो बोलिए yes, मजा आया sir। Just give a thumbs up guys। Yes sir। Everyone, please do appreciate me यार। मेरे को appreciate क्या करो? मजा आता है। Give a thumbs up अगर समझ में आया तो। Enjoy करो। क्या ही तो बात है सर। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो सर? क्या इस क्वेश्चन को आप बना दोगे ग्राफ से? बना तो दूंगा सर, मेरी गारंटी है बना दूंगा। लेकिन उससे पहले, ग्राफ बनाने से पहले क्यों ना हम जरा डिस्कस कर ले कि सर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले मुझे ये बताइए आप। तो ठीक है ना सर? तो ठीक है ना सर, क्यों ना हम बना ले इस फंक्शन के ग्राफ को। तो लिखा है बेटा कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन टू पावर फाइव इन द इंटरवल जीरो टू थ्री। तो पहले स्टेप से शुरू हो जाएंगे कि सर मुझे बताना है कि रोल्स थ्योरम वैलिड है कि नहीं है। तो ठीक है सर, क्यों ना सर, क्यों ना सर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला पॉइंट ये था बेटा कि जो फंक्शन आपका दिया है इट शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल जीरो टू थ्री। तो डोमेन इसका दिया है जीरो टू थ्री और आप जानते हो every polynomial functions are continuous in their domain and polynomial function ka jo domain hota hai wo hota hai real number। to aap duniya ka koi bhi polynomial function lekar aaoge wo apne domain mein duniya ka koi bhi domain mein continuous hi milega, guarantee hai। matlab sir aap bolna kya chahte ho ki agar polynomial function aaya to hum log khush ho jaye ki continuity check nahi kar rahe hain? yes aap relate kar sakte hain। so f of x ka beta aa gaya value jo diya hai x minus 1 2 power mein 2 by 5 and again this is polynomial। So it will be continuous. Since this is polynomial, then it will be polynomial, then it will be continuous. ये continuous होगा। तो second point पे आते हैं sir। Second point पे आप बोलना क्या चाहते हैं sir? Second point पे differentiability check करो ना। तो sir differentiability check करने के लिए हम function को differentiate कर देते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। एक बात और लिख कर ले लो बेटा कि आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में भी गलती करोगे। कैसे गलती करोगे? अभी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, दौड़ेगा, गो फॉर इट, डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट चेक करो। क्या होगा जब फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन कर दिया जाएगा? मैंने आपको बोला था, मैंने आपको डेरिवेटिव में भी सिखाया था, डिफरेंशिएबिलिटी में सिखाया है कि जरूरी नहीं है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। दुनिया का हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, दिस इज गारंटी। क्योंकि डिफरेंशियबल को हमने लेवल थ्री माना था, तो जो बंदा लेवल थ्री पे है वो लेवल टू पार कर ही लिया होगा। लेकिन जो लेवल टू पे है वो नहीं बता सकते सर लेवल थ्री पार करेगा कि नहीं करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। सो अगेन एक्स एफ डैश एक्स विल बी गाइस एक्स पावर एन का फॉर्मूला है, टू बाई फाइव एक्स माइनस वन
2/5 - 1 दैट इज 3 - 3/5 इसको और अच्छे से लिखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 2/5 × x - 1 / 3/5 क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है सर क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जी नहीं क्यों सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है क्योंकि आपको मालूम पड़ा कि सर फंक्शन जो डिफाइन था जरा मेरे पॉइंट को गौर कीजिए मैं क्या सिखा रहा हूं दो क्वेश्चन सिखाया दोनों में आपको दो अलग अलग अप्रोच बताऊंगा ये फंक्शन रैंडम सा टेक्स्ट बुक मेथड दिस मीन स्मार्ट मेथड सोचो आंसर लाओ अब यहां पे देखिए आपको क्या स्मार्ट तरीका बता रहा हूं मेरी वॉइस लैग करेगी आई नो गाइस लेकिन यू हैव टू जस्ट कॉम्प्रोमाइज फॉर टू डेज ओनली सॉरी अब ध्यान से सुनिए बेटा क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है नो हाउ यू कैन से सर ध्यान से समझियो सर कि ये जो फंक्शन है बेटा एट एक्स इक्वल टू वन डिनोमिनेटर कम्स टू बी जीरो डिनोमिनेटर इज जीरो वेयर इफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिए कि सर जब एक्स का वैल्यू आप वन रख दोगे यहां पे तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो जाएगा और जैसे ही जीरो होगा सर ये जो फंक्शन का जो ये वैल्यू है ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो पसंद नहीं अपने को और एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब सर फंक्शन एट वन नॉट डिफरेंशिएबल लेकिन जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है उस पॉइंट को देखिए कि आपको मतलब भी है कि नहीं है नहीं सर मतलब तो है क्योंकि आपको डोमेन जीरो से थ्री तक बात कर रहा है और जिस पॉइंट पे फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है वो वन है तो वन तो डोमेन में आता है तो जीरो थ्री के बीच में एक जगह पंगा है सर वो है पॉइंट वन उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो बोलेंगे सर ओवरऑल फेल हो गया सर रोल्स थ्योरम का सेकंड टेस्ट में फेल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे सर क्या लिखेंगे यहां पे हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल क्या बेटा आपको बात समझ में आई रोल्स थ्योरम फेल भी होता है ऐसा नहीं है सर सारे के सारे फंक्शन में आप रोल्स थ्योरम को लेकर आ जाओगे बेटा समझ में आई तो बोलिए यस एंड जस्ट गिव अ थम्स अप यस सर ग्रेट गाइस यस सर यहां पे आइए क्या इस फंक्शन का ग्राफ के थ्रू आप एनालाइज करना चाहेंगे हाँ सर बताइए ना मजा आएगा इससे इसके लिए आपको मैंने तरीका बताया था बेटा कि जब भी आपको इरेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है तो आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे x माइनस वन एक्चुअली ये लिखा है फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर ये लिखा है मैं एक बार आइडिया दे दूं क्योंकि ग्राफ की बात हो रही है तो क्यों ना आपको समझा दूं तो बेटू आपको ग्राफ दिया है f of x is equal to x minus 1 पावर में 2/5 इसको और आप अच्छे से लिख सकते हो f of x equal to डर लग रहा होगा इसको देखकर मेरे को मालूम है आप इसको ऐसा लिख लो x minus 1 का होल स्क्वायर पावर में 1/5 आप इसका मतलब समझ सकते हो बेटा कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का फिफ्थ रूट लिया गया है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का फिफ्थ रूट लिया गया है तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस ग्राफ लेकिन क्योंकि हम जानते सच पूछो तो मैं आपको कर्व ट्रेसिंग सिखाने वाला हूं मैं आपको कर्व ट्रेसिंग सिखाऊंगा कि दुनिया का कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना दोगे आप गारंटी मेरी है कर्व ट्रेसिंग सिखाऊंगा लेकिन मैक्सिमम मिनिमम चलने दो अभी मैक्सिमम आ रहे अभी ठीक है तो आपको क्या करना है x माइनस वन का ग्राफ होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है x स्क्वायर का ग्राफ होता है पैराबोला आप जानते हो अब ये भी नहीं आता है तो बेटा शर्म करो x माइनस वन का होल स्क्वायर बेटू ये हो गया पर माइनस वन है ना सर माइनस वन लेफ्ट साइड में जाओगे कि राइट साइड में सर राइट साइड में जाएंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर ये रहा x माइनस वन का होल स्क्वायर ये रहा मैंने आपको बोला है कि जब कभी भी आपको इसका फिफ्थ रूट लगाना है एक्चुअली इट इज कमिंग आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट तो आप इसका ग्राफ ब्रेक करते जाओगे छोड़ी तो मैं आपको कर्व ट्रेसिंग सिखाऊंगा उस आइडिया से आप जल्दी कर लोगे सो एट दिस मोमेंट लेट्स इग्नोर द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन लेटर ऑन वी विल डिस्कस लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन गाइस ध्यान से समझिएगा पहली बात तो सर ये है कि आप एक इतना सुंदर सा ग्राफ दिए हो सुनो ध्यान से एक इतना सुंदर सा आपने फंक्शन दिया कि सर जिस फंक्शन का ग्राफ आप वेवी कर्व से बना सकते हो x into x minus 1 x minus 2 दुनिया का कोई बच्चा बना लेगा लिखा है प्रूफ दैट
If satisfy the condition of Rolle's theorem and there is more than one C, just listen very carefully, guys. Can we visualize this question by graph? Can we draw the graph of this function? Yes, sir, we can draw the graph. कैसे? आप बात कर रहे हो सर ये फंक्शन के बारे में ना, आप बात कर रहे हो एक ऐसा फंक्शन जो बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है सर। एक फंक्शन हो गया बेटू यहाँ पे x, जो देता है क्रिटिकल पॉइंट है उसका जीरो, दूसरा फंक्शन दूसरे का क्रिटिकल पॉइंट है आपका वन, एंड फिर थर्ड का क्रिटिकल पॉइंट है टू। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है सर, गारंटी है सर, कंटिन्यूटी की तो बात ही छोड़ दो पॉलिनोमियल फंक्शन पे। अगेन गाइस सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि सारे आ जाएंगे प्लस माइनस, रीजन आता है आपको कि अगर ऑड पावर्स है तो अल्टरनेट साइंस लिख दो, राइट साइड में प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस छाप देना है सर। फिर ग्राफ बेटा यहां से चलेगा, ऊपर जाएगा नेगेटिव रीजन में नीचे आएगा, फिर पॉजिटिव रीजन में ऊपर जाएगा एंड नेगेटिव रीजन में फिर से नीचे जाएगा। आपने एक चीज नोटिस किया कि सर ये जो फंक्शन है ये दो जगह पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देगा। कहां कहां पे देगा सर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट? एक पॉइंट बिटू ये रहा और दूसरा पॉइंट बिटू ये रहा, और क्वेश्चन भी आपसे वही पूछ रहा है कि प्रूव दैट देयर इज मोर देन वन सी, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, सच दैट इफ डैश इज जीरो। और आप ग्राफ से थ्रू देख सकते हो सर, यस प्रूफ हो गया, खत्म। ये तो स्मार्ट तरीका हो गया ना सर, ग्राफ बनाया दिखा दिया सर, देखो सर दो बार हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है तो खत्म हो गया, रोल्स थ्योरम की कहानी नहीं है सर यहां पे। यस नो डाउट यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, इतना सोच पाए तो बहुत ही जबरदस्त काम करोगे आप। लेकिन नहीं सोच पाए सर, नहीं आता मुझे पूरा सिखाओ, तो सीखिए सर ट्रेडिशनल मेथड भी आता है हमने अपने को, एंड ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही सिंपल है सर कि सर आपको सबसे पहली बात करना है कि आप जो फंक्शन लिए हो f of x is equal to x into x minus 1, जरा सुनते जाओ ध्यान से, x into x minus 1, x minus 2, ये फंक्शन को जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा x into x minus 1 और x minus 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बेटू x square minus 2x minus 6 minus 3x plus 2, and ये हो जाएगा x cube minus 3x square plus 2x। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है सर? ऊपर से भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते थे ना, मेरे को मालूम है पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बोला? सुनो ध्यान से, इज पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है इट इंप्लाइज दैट इट इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन अपने डोमेन में होगा, गारंटी है कि होगा सर। सेकेंड पॉइंट आते हैं बेटू एफ डैश एक्स पे, अब ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ मैं इसका डेरिवेटिव पूछता तो शायद कितने लोग हैंग हो जाते, लेकिन अब मैं इसका डेरिवेटिव पूछूंगा तो शायद बता दोगे आप लोग, इसलिए मैंने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना बेटर समझा। नाउ गाइस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, यू नो कि सर ये 3x स्क्वायर होता है, इतना चिंदी सा सवाल ना करो रे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, क्या ही तो बात है सर, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, हमें करना क्या है सर? रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है? नहीं, प्रूफ करना है, रोल्स थ्योरम है प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ वेरिफिकेशन के बाद होती है। प्रूफ कहां से मिलता है? वेरिफिकेशन से ही मिलता है ना यार, बिना वेरिफिकेशन के प्रूफ कहां से लाओगे आप? तो पहले मैं चेक करूंगा कि सर रोल थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं, और रोल थ्योरम अप्लीकेबल होगा तो मैं फिर प्रूफ के पीछे भागूंगा। नाउ गाइस एफ डैश एक्स ये आया, नाउ थर्ड पॉइंट भी तो आता है ना सर, थर्ड पॉइंट भी तो आता है कि एफ ऑफ ए और ए का वैल्यू कितना है सर? ए का वैल्यू है जीरो, यस जीरो टू टू, ए का वैल्यू है जीरो और ए का वैल्यू है जीरो, तो बेटू ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये जीरो ही आएगा, एंड अगर टू भी रखोगे तो जीरो ही आएगा। आप रख करके देख लो, टू थ्रीज आर टू क्यूब एट, थ्री इंटू टू स्क्वायर ट्वेल्व, एंड थ्री इंटू सिक्स टू फोर एट ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो, सो जीरो आ रहा है। तो हमने क्या देखा सर कि जो फंक्शन है वो एफ ऑफ जीरो पे भी जीरो है, f of 2 पे भी 0 है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई है इसका मतलब सर ओवरऑल रोल थ्योरम एप्लीकेबल है, एंड अगर रोल थ्योरम एप्लीकेबल है तो मुझे लिखना पड़ेगा, हेंस ध्यान से समझिए,
हेंस रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल. ये बेटू अप्लीकेबल है. अब क्योंकि ये रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है तो क्यों ना सर, जो रोल्स थ्योरम बोलता है वो किया जाए. रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि देयर विल बी अ पॉइंट सी वेयर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी जीरो. सो डेरिवेटिव फंक्शन कितना था, 3x2 - 6+2, लेकिन ये f डैश x था. मैं आपसे f डैश c पूछ रहा हूं तो क्यों ना बेटू आप f डैश c निकालो एंड दिस विल बी 3c2. x की जगह पे c रखना है और क्या सर, -6c + 2 = 0. कहानी में आया मजेदार ट्विस्ट. मेरी मुझे मालूम है लैगिंग से मालूम पड़ रहा है कि आप मेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे ठीक से. कोई दिक्कत नहीं है सर. अगर सर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा. सो क्यों ना सर, यहां से सी का वैल्यू निकाल ले. -b बोले तो बी रूट ओवर b² - 4ac, 36 - 12 = 24 डिवाइड बाय 2 × 3 = 2a. सो सी का वैल्यू हो गया बेटू 6 + 36 - 24 = 12 / 6. यू कैन टेक c इज इक्वल टू, यहां से आप ले सकते हैं 6 + 2√3/6. 6 को कॉमन ले लीजिए. क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा, जस्ट गिव अ थम्स अप गाइस. अगर मेरी आवाज आ रही है यस थैंक यू. सो c का वैल्यू आ गया बेटा 6 + 2, 6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3 + √3/ या क्यों ना और अच्छे से लिख लिया जाए सर, दिस इज 1 + √3/3. 1 + √3/3. आप जानते हो एक चीज ध्यान दो, आप फिर यहां पे आओगे वेरीफाई करोगे कि सर क्या ये आपने जो लिखा है सी का वैल्यू ये डोमेन से मैच करता है कि नहीं करता है. तो बेटा वहां पे आपकी नॉलेज काम आएगी. इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन ऑलवेज योर आंसर विल लाई बिटवीन 0 to 1. जस्ट नोट दैट पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर 0 point something आएगा. 0 point भले ही 9 आ जाए, भले ही 0.9 आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 point गारंटी ही आएगा. तो इसका मतलब समझे बिटू आप कि सर ये तो 0 point something है ना, क्योंकि रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है 1.7 something एंड 3. तो 1.7 / 3 अगेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा है तो इट विल बी 0 point something. तो बेसिकली ये कहानी ये बोले सर 1 + 0 point something, 1 - 0 point something, तो आंसर क्या हो जाएगा सर 1 point something और 0 point something. ऐड करोगे तो वही आएगा ना. नाउ 1 0 से 2 डोमेन है तो 1 से हल्का सा आगे जाओगे, 1 में कुछ ऐड करोगे छोटा सा वैल्यू तो 1 से आगे जाओगे, और 1 में एक छोटा सा वैल्यू आप माइनस करोगे तो 1 से पीछे आओगे. डोमेन आपका 0 से 2 है. एग्जैक्टली 0 तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि ये कभी 1 हो ही नहीं सकता है. एग्जैक्टली 0 तब बनता कि सभी एग्जैक्टली 1 हो जाए, तो 1 + 1 = 2 होता, 1 - 1 = 0 होता, लेकिन ये 1 देगा ही नहीं, 0 point something है. तो वी कैन से कि सर सी का 2 वैल्यू आ रहा है. मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सिखाया था कि सी का 2 वैल्यू आता है, तो जरा पूछिए क्वेश्चन से क्या बेटा आप मेरे से पूछ रहे हो दोनों वैल्यू चाहिए आपको, काम आएगा ये चीज. सी का 2 वैल्यू आया, हमने क्या सीखा. देयरफोर जस्ट सी कि मैं लिख क्या रहा हूं बेटू, मैं लिख सकता हूं देयरफोर देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पॉइंट वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. और क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, मोर देन वन सी. वेयर अगेन यहां पे हमेशा लिख लीजिए आप वेयर सी जो है बेटू बिलोंग करेगा 0 से लेकर 2 में, क्योंकि मैंने सी का वैल्यू आप यहां से देख सकते हो, सी का वैल्यू मैंने यहां से रिलेट किया है, सी का वैल्यू 0 से लेकर 2 में ही आएगा. क्या ही तो बात है बेटा, क्या आपको समझ में आया रोल्स थ्योरम
एक बार मुझे कंफर्म करेंगे क्या? Yes, sir. आप मुझे Yes, sir. एक बार कंफर्म करेंगे कि हाँ सर रोल्स थ्योरम इज क्लियर नाउ? प्लीज आप सभी कुछ बच्चे बोल दीजिए क्या सर नेवर माइंड क्या ही दुबारा ठीक है। तो बेटा मैंने कुछ आसान आसान सा क्वेश्चन रख दिया है एंड अगेन मैं आपको मालूम है कि मैं आप थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जानबूझकर देता हूं कि आप होमवर्क कम देता हूं आप जानते हो कि मैं होमवर्क ज्यादा नहीं देता हूं। हाँ असाइनमेंट दे देता हूं कि आप करते रहो ट्राई करते रहो कि आपने चैप्टर में कितना सीखा लेकिन जब मैं होमवर्क देता हूं तो बहुत ही कम देता हूं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही देता हूं इसलिए देता हूं ताकि आप चेक करो। मैं अगेन यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ बेटा डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो जाएगा। पहला स्टेप है आपका पहला स्टेप है कि कंटिन्यूटी देखो चेक कंटिन्यूटी आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। सेकंड पॉइंट है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अब देखो ध्यान से मजेदार कहानी क्या है सर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे और अगेन आपको डिफरेंशिएबिलिटी का नॉलेज याद होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी काम आएगा कि अगर फंक्शन पीस वाइज में डिफाइंड है भले ही फंक्शन कंटिन्यूअस लेकिन हम भरोसा नहीं करते हैं। भले ही फंक्शन पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस है पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ऊपर वाले में आप देख रहे थे जो कंटिन्यूअस थे सारे डिफरेंशिएबल थे। रीजन क्या था कि पॉलिनोमियल फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन नहीं किया गया टुकड़ों में डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पे इस इंटरवल के लिए ये है इस इंटरवल के लिए ये है तो डिफरेंशिएबिलिटी पे हम डाउट करेंगे तो आपको ये करना है और आई श्योर कि बेटा ये डिफरेंशिएबिलिटी में फेल हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब ये होता है दया कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो क्या ही तो बात है। अगेन छोटू सा क्वेश्चन गिफ्ट है आपके लिए लेट्स टॉक अबाउट एलएमवीटी थ्योरम। ये भी एक ऐसा थ्योरम है इस थ्योरम का पावर दिखाऊंगा कि सर ये एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जिसमें कैलकुलस यूज नहीं होता है लेकिन एलएमवीटी थ्योरम यूज करके बना देगा उसको। पहले पर्पस देखो बोल क्या रहा है बहुत ऑब्वियस ही बात है सुना ध्यान से बहुत ऑब्वियस ही बात है ध्यान से सुनियो आप। पहले इसका फिजिकल मीनिंग समझो एलएमवीटी थ्योरम का मतलब क्या है। देखो बेटा रोल्स थ्योरम आपसे ये बोला था कि अगर कोई फंक्शन ए और बी में कंटिन्यूअस है तो कुछ ऐसा हो सकता है या ऐसा 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 हो सकता है। मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था बाकी 2-3 कंडीशन ऐसे भी बताए थे जहां पर रोल्स थ्योरम फेल हो रहा था। अब सोचो कि अगर मैं एक ऐसा कर्व लू जो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक कंटिन्यूअस है खत्म कहानी। अब कंटिन्यूअस कैसा भी हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है ये कंटिन्यूअस है इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि सर क्या होना चाहिए। हाँ ये भी हो सकता है कि बी यहां पे हो जाए कोई जरूरी नहीं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है बी कहीं पे क्या ही फर्क पड़ता है सर बी कहीं पे भी हो सकता है। जरा डिफरेंस समझते जाइएगा रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम में। तो बेटा बोलता ये है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर कोई कर्व में किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस बना दूं लेट्स सी कि मैंने ए और बी के बीच में फंक्शन को कंटिन्यूअस बना दिया तो ये जो कर्व बनेगा इसका जो कॉर्ड होगा कॉर्ड समझते हो कॉर्ड का मतलब होता है लाइन दैट पासिस थ्रू एंड्स ऑफ कर्व कर्व को इंटरसेक्ट करना चाहिए। सो कॉर्ड कितने हो सकते हैं सर कॉर्ड्स इनफाइनाइट होते हैं ये भी कॉर्ड है सारे नीचे वाला कॉर्ड नहीं ऑब्वियसली ये कॉर्ड है जितने भी लाइंस जो कर्व को इंटरसेक्ट करके जाएं वो कॉर्ड्स होते हैं। सर्कल में आप इमेजिन कर सकते हो अपने क्लास 10th में पढ़ा है। तो बेटा ये बोलता है कि मैं अगर एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करूं जो ए और बी से पास हो अब सुनो ध्यान से
वो बोला है कि उस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बहुत ही ध्यान से समझो, कि फंक्शन कंटिन्यूअस था ए और बी में, मैं ए और बी से पास होता हुआ एक कॉर्ड बना दिया, मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा पूरे कर्व में, उसी इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि अगर उस पॉइंट के थ्रू मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये पैरेलल होगा कॉर्ड के। सर ये भी कुछ ऑब्वियस सी बात नहीं हो गई, ये भी कुछ ऑब्वियस सी बात नहीं बोल रहे हो आप बेटा? बात वही है। अब अगेन बोल रहा हूं बेटा कि ये जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ही हो, कर्व का कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है जो एक पैरेलल होता है। सिंपल सी बात यह है कि एलएमवीटी थ्योरम आपको यह बोलता है कि अगर कोई भी कर्व कंटिन्यूअस है तो वो कर्व का जो कॉर्ड होगा ना, इट कैन बी एनीवेयर, ए बी से पास करो या ए से बी से थोड़ा ऊपर पास कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है सर। उस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा जो उस कॉर्ड के पैरेलल होगा। मैं मेंशन कर दे रहा हूं क्लियरली कि बेटा कॉर्ड जो है वो इस लाइन के, ये इस टेंजेंट के पैरेलल होगा, ये इस टेंजेंट के पैरेलल होगा। सर बस कहानी इतनी है, कहानी इतनी है सर। हाँ कहानी इतनी है सर। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कभी कभी शार्प पॉइंट आ जाएगा तो वहां पे यूनिट टेंजेंट नो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप एक ऐसा ग्राफ इमेजिन कर सकते हो, बहुत देखो मैथ्स बहुत टफ नहीं है। क्या इस कर्व का ये कॉर्ड है? क्या ये बेटा ये जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, क्या ये आपको कॉर्ड दिखा? हाँ सर दिखा। अब मेरे को बताओ कि अगर ये ग्रीन जो है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो बेटू, ये है कॉर्ड। अब मेरे को जरा इस कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट एग्जिस्ट करा के दिखा दो। अब बोलोगे सर ये वाला लाइन, अब बोलोगे ये वाला लाइन, बिल्कुल नहीं, शार्प पॉइंट है। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर शार्प पॉइंट है तो टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या ही बात बोला है सर, वेरी गुड, मजा आ गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे सर, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो आपको ये जो दिख रहा है ना ऐसा, ये हल्का सा शार्प पॉइंट, इसको जरा ठोको, ऐसा ठोको कि ये शार्पनेस हट जाए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा वापस से एलएमवीटी भी फेल हो जाता है। एलएमवीटी यहाँ पे नो टेंजेंट, कोई यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, तो इस कॉर्ड के पैरेलल कोई टेंजेंट नहीं आया, तो सर यहाँ पे एलएमवीटी खत्म, एलएमवीटी भी फेल हो गया। वैसे एलएमवीटी की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं किया तो हम यहाँ पे फेल नहीं बोल सकते। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, जस्ट रिमेंबर द थ्री कंडीशन कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ऐसा होगा तो आपका जो कॉर्ड होगा, सुनो ध्यान से, ये कॉर्ड ही है यार, ये कॉर्ड ही है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉर्ड विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन मतलब डेरिवेटिव हो सकता है। फिजिकल मीनिंग यही है, फिजिकल मीनिंग एक्चुअली इसका ये होता है कि इसका एवरेज रेट जो होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट सम पॉइंट। मैंने लिखा रहेगा कहीं पे, यस लिखा हूं, फिजिकली इट मींस एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर एन इंटरवल ए टू बी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट सम पॉइंट इनसाइड द इंटरवल। ये कुछ ऐसा भी लिखा जाता है, ये कुछ ऐसा भी लिखा जाता है। मैंने आपको बोला ना कि कॉर्ड बहुत सारा बना सकते हो, आप बहुत सारा बना सकते हो, ए बी से पास कर लो, कहीं और से पास कर लो यार, मिल जाएगा। लो ना सर, आप समझाओ ना, इतना क्यों बोल रहे हो? लो ये है कर्व, क्या ये कर्व है? हाँ सर कर्व है। क्या इसका कॉर्ड बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। ये रहा, क्या इस कॉर्ड की करस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं, बना के दिखाओ। लो सर ये रहा, वापस पैरेलल है, वापस इस पॉइंट पे पैरेलल है इस पॉइंट पे ग्राफ, जो टेंजेंट बना वो कॉर्ड के पैरेलल है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा कि अगर ये पॉइंट है आपका ए और एफ ऑफ ए, ये पॉइंट है बी और एफ ऑफ बी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट मतलब ये कोई पॉइंट सी है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ सी है। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, सुनियो ध्यान से सर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालो कैसे? स्लोप ऑफ लाइन से। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है सर? टू पॉइंट फॉर्म यूज करो। एंड टू पॉइंट फॉर्म यूज कैसे करते हैं सर?
डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्यों ना सर इसको हम लिख ले एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, क्या ही तो बात है सर, बच्चे लोग भी कर पाएंगे। तो सर इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट सम पॉइंट, कहीं भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई रैंडम बच्चे को मैं इस क्वेश्चन दूं तो वो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि सर आप बोल क्या रहे। मेरी बात को अगर ध्यान से समझोगे तो एक बार 2 मिनट का टाइम लीजिए और ग्राफ को सोच लीजिए, क्वेश्चन को सीख लीजिए। आप बोला फाइंड अ पॉइंट ऑन पैराबोला वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 3,0 एंड 4,1, क्या ही तो बात है सर, आपने कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को दिया है जो एक्चुअल में एक थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, समझ में तो नहीं आया सर। तो बेटा जो बच्चा एलएमवीडी थ्योरम के फिजिकल मीनिंग को समझता है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेगा कि व्हेन कंडीशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, मतलब ही नहीं बनता सर। छोटा सा फिल लीजिए और सोचिए कि सर एक पैराबोला है, एक कर्व है, आपने जो ग्राफ बनाया सर वो पैराबोला ही था कहीं ना कहीं, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। जरा ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बात बता रहा हूं बेटू आपको। ज्वाइनिंग 3,0 एंड एफ ऑफ 4, अगर इसका ग्राफ आप विजुअलाइज कर पाओ खुद से तो आपको मालूम पड़ेगा सर ये रहा पैराबोला। क्यों ना इस पैराबोला को जरा अच्छे से बनाया जाए। अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है सर, है पैराबोला। ये जो पैराबोला है इस पे कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो सर, हो गया आपका 3,0 है, ध्यान से समझ लो। अब बेटा इस पॉइंट से एक कॉर्ड आपने पास किया, नो डाउट पास किया सर, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे को टेंजेंट का पॉइंट बताना है, फाइंड अ पॉइंट ऑन पैराबोला, नॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं पूछ रहा है। वो पूछता तो मैं बता देता आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑन द पैराबोला वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। तो मुझे इस पैराबोला पे पॉइंट्स कितने मिलेंगे बेटू? बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे सर। क्या इन सारे पॉइंट्स से आप टेंजेंट पास कर सकते हो? यस कर सकते हैं सर। क्या ये सारे पॉइंट्स से पास होने वाले टेंजेंट्स कॉर्ड्स के पैरेलल होंगे? बिल्कुल नहीं सर। कोई एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो इस टेंजेंट के, जो इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाए। क्यों ना सर वो उस फोटो में इमेजिन कर लेंगे, सर आप बोलना क्या चाहते हो? तो बेटू ये रहा कॉर्ड आपका एंड ब्लू वाला रहा आपका टेंजेंट, क्या दोनों पैरेलल है? हाँ सर। तो पूछ क्या रहे हो सर पैरेलल है तो बेटा ये पॉइंट पूछ रहा हूं मैं, ये पॉइंट बता दो। मैं जानता हूं सर कि ये एलएमवीटी का फिल दे दिया, इफ वी अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ द ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ एलएमवीटी, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एलएमवीटी थ्योरम, नो वन कैन इमेजिन दिस। तो बेटू सी पे मेरे को मालूम है सर ऐसे कंडीशन में किया क्या जाता है, क्या ही जाता है सर, क्या ये एलएमवीटी अप्लीकेबल है? वी हैव टू चेक ना कि सर एलएमवीटी अप्लीकेबल है कि नहीं। तो बेटू ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, x माइनस 3 पावर 2 पॉलिनोमियल मतलब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल तो है क्योंकि ये पैराबोला है, तो शार्प पॉइंट आने का सवाल ही नहीं है। तो सर आपको तो ये बोलता है ना कि वी आर फाइंडिंग एफ डैश सी वेयर दिस इज सर्टिफाइड द इक्वेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, क्या ही तो बात है सर। एफ डैश सी, सर एफ डैश सी कैसे निकालोगे आप? बेटा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है 2 x - 3 एंड स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, मैंने आपको बोला है स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड मींस डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन, सो y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो ना, 1 - 0 is 1 एंड 4 माइनस, बेटू देखो 1 से 0 माइनस कर रहे तो आपको 4 से 3 माइनस करना होता है। ये कॉमन मिस्टेक है कि बच्चा इधर 1 से 0 करता है और 3 से 4 कर देता है। जो डायरेक्शन से आप माइनस कर रहे हो उसी डायरेक्शन से आपको माइनस करना होता है, नहीं तो स्लोप नेगेटिव हो जाता है। तो बेटा मैंने 1 से 0 गया है तो 4 से 3 आना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी गाइस कि 2 x - 3 = 1/1, 1 क्या ही तो बात है सर, इतना प्यारा नंबर, x = 1/2 + 3। तो x का वैल्यू क्या हुआ सर, x का वैल्यू हुआ क्या,
क्यों ना सर, एक बात बताओ, आप तो एफ डैश सी पूछ रहे हो ना, तो क्यों ना मैं यहां पे भी सी यूज कर लूं। अब देखो आएगा तो एक सी, लेकिन क्यों ना मैं सी यूज करूं, ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सो लेट मी राइट सी हियर, सी यहां पे आएगा, सी यहां पे आएगा, तो बेटा देख सकते हो आप सी इज इक्वल टू 1/2 + 3 एंड सी इज कमिंग आउट टू बी, सी जो है आपका वैल्यू आ रहा है 7/2, सी का वैल्यू जो आ रहा है बेटा 7/2। तो सर आपसे सी थोड़ी पूछ रहा है, आपसे तो पॉइंट पूछ रहा है ना, आपसे तो पॉइंट पूछ रहा है ना। तो बेटा एक बात तो मैं समझ गया सर, सी का जो वैल्यू है 7/2 है, बट आप चाहते क्या हो सर, आप तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड किया वाई, क्योंकि पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगेन गाइस, बहुत ही बेसिक बेसिक से चीजें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। आप सी अगेन लिखकर आंसर मत आ जाना, गलत हो जाएगा, आपसे पॉइंट पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट, और पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं, और कोऑर्डिनेट का सवाल भी है यार। अब बोलोगे सर सी का वैल्यू आ गया तो एक्स किधर से आएगा, वाई किधर से आएगा, बेटू ग्राफ में रख दे। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट आता है तो वाई लाना आसान होता है, और वाई कोऑर्डिनेट आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट लाना आसान होता है, वैल्यू रखना होता है बस ओरिजिनल इक्वेशन में। तो बेटू यहां से आप देख सकते हो कि आपका जो ग्राफ का वैल्यू है, जो ग्राफ पे पॉइंट आएगा, when c equal to x 7/2, we can write x is equal to 7/2, when x equal to 7/2, that means y is equal to 7/2 minus 3 का पावर 2, तो बेटू हो गया y is equal to 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, and that is 1/4। बेटा आपको दिख रहा था सर यूनिक टेंजेंट होगा इसके पैरेलल, और कोई लाइन नहीं आते, तो मेरे को एक ही वैल्यू मिला, एक ही पॉइंट मिला, और वो पॉइंट क्या है बेटू, वो पॉइंट है x, y, एंड वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7/2, 1/4। कैन यू इमेजिन गाइस कि जो बंदे ने सोचा है ये चीज कि कैलकुलस से रिलेट कर दो ये कोऑर्डिनेट को, क्या जबरदस्त दिमाग है उसके पास। मैंने बिल्कुल ही कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, द सेम क्वेश्चन आई कैन सॉल्व बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑन पैराबोला, लेकिन मैं जानबूझकर इस क्वेश्चन को लिया था ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि मैथ्स इज रिलेटेड, रिलेटेड है सारी की सारी चीजें। बड़ा समझ में आया, बोलिए यस एंड जस्ट गिव अ थम्स अप गाइस। यस सर।